नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्त प्यार से महाराज जी कहते थे, एक महान संत और योगी थे। उनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक झुकाव था और वे अक्सर साधु संतों के बीच रहते थे। कहानी उस समय की है जब बाबा नीम करोली जी एक छोटे से गांव में रहते थे। वहां उनके पास कुछ भी नहीं था, न धन न संपत्ति, लेकिन उनकी दिव्यता इतनी थी कि लोग खुद ब खुद उनकी ओर खींचे चले आते थे। एक बार की बात है, बाबा एक गांव में रहने के लिए गए और उस गांव में ट्रेन के एक स्टॉपेज पर रुकी थी। बाबा बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। जब टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। इससे कलेक्टर नाराज हो गया और उसने बाबा को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहा। बाबा शांतिपूर्वक नीचे उतर गए और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन चलने का प्रयास करती रही लेकिन वह हिल भी नहीं पाई। कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। लोग हैरान थे और रेलवे के अधिकारी भी परेशान हो गए। किसी ने कहा कि बाबा नीम करोली एक सिद्ध पुरुष हैं और शायद उनकी वजह से ट्रेन नहीं चल रही। रेलवे के अधिकारी बाबा के पास गए और उनसे माफी मांगी। उन्होंने बाबा से वापस ट्रेन में बैठने की विनती की। बाबा ने मुस्कुराते हुए उनकी विनती स्वीकार की और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस घटना के बाद बाबा की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग मानने लगे कि वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष हैं। बाबा नीम करोली ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके आशीर्वाद से लोगों की समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती थी। उनकी कृपा से कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुए और उनका नाम देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया। उनके भक्तों में बड़े बड़े लोग जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स शामिल थे, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित हुए। बाबा नीम करोली जी ने अपने जीवन काल में प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश दिया। उनका विश्वास था कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और सेवा से ही मनुष्य अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकता है। उनके जीवन के अनेक चमत्कारी किस्से आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और वे अपने भक्तों के बीच हमेशा अमर रहेंगे।